GTA 6 बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स, नए कैरेक्टर्स, नई स्टोरी, सब कुछ बहुत ही बढ़िया होगा। अभी 9-10 साल हो चुके GTA 5 को आए हुए, बहुत लोगों ने वहाँ पर चैलेंजेस कंप्लीट किए, मॉड लगाए GTA 5 में, लेकिन अभी बारी है GTA 6 की, क्योंकि GTA 6 की लीक्स आनी शुरू हो चुके हैं और लीक्स के हिसाब से GTA 6 बहुत ही दमदार होने वाला है और हमने जितना भी वेट किया वो वर्थ इट होगा। तो लीक्स के हिसाब से आपको नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे GTA 6 में, फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा लेटिना और एक क्लोजली रिलेटेड मेल कैरेक्टर होगा। तो ये दो नए कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे और इनके साथ स्टोरी प्ले आउट होगी। GTA 5 से भी ज्यादा बड़ा मैप होगा GTA 6 में, मतलब मल्टीपल सिटीज देखने को मिलेगी, मल्टीपल चैलेंजेस होंगे। तो वाइस सिटी आपको देखने को मिल सकती है GTA 6 में, क्योंकि GTA 5 का जो मैप था वो येले से इंस्पायर्ड था। यहाँ पर आपको मल्टीपल सिटीज और मल्टीपल चैलेंजेस देखने को मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया होगा गेम प्ले का एक्सपीरियंस। और लीक्स के हिसाब से यहाँ पर ज्यादा सिटीज, ज्यादा मिशन ऐड होते रहेंगे, तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपका गेम पुराना नहीं लगेगा और यहाँ पर अलग अलग आप मिशन कंप्लीट कर पाएंगे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है और सिटीज ऐड होती रहे और मिशन ऐड होते रहेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो ग्राफिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इंप्रूव इंटीरियर डिजाइन होगी और यहाँ पर डिस्ट्रक्टेबल इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप GTA 5 में गाड़ी टकराते हैं बिल्डिंग में तो सिर्फ गाड़ी डैमेज होती है, यहाँ पर ये बिल्डिंग भी डैमेज होगी, मतलब डिस्ट्रक्टेबल इन्वायरमेंट होगा। तो लीक्स के हिसाब से रॉकस्टार गेम्स एक्टिविजन के साथ मिलकर डिस्ट्रक्टेबल इन्वायरमेंट पर काम करेगा। तो एक्टिविजन का इन्वायरमेंट कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स में, कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको डिस्ट्रक्टेबल इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, वैसे GTA 6 में डिस्ट्रक्टेबल इन्वायरमेंट होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, रियलिस्टिक ग्राफिक्स हो गए GTA 6 के, तो मैं इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और इंटीरियर इन्वायरमेंट के ग्राफिक्स की बात करें, जो इंटीरियर इन्वायरमेंट होगा मतलब बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पर भी आपको अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, इंप्रूव हो गए, मतलब अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे GTA 6 में। यहाँ पर आपको इंप्रूव ग्राफिक्स मिलेंगे GTA 5 से GTA 6 में, लेकिन अल्ट्रा रियलिस्टिक अगर इन्वायरमेंट होगा तो गेम खेलने में बहुत ही मजा आएगा। तो ये तो बात हुई ग्राफिक्स की, नए कैरेक्टर्स की, लेकिन इतनी सारी चीजों की बात करें, अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको पावरफुल सिस्टम चाहिए होगा GTA 6 को रन करने के लिए। PS4 पे आप रन नहीं कर पाएंगे GTA 6 को, तो हो सकता है PS5 पे आप रन कर पाए GTA 6 को और आपको पावरफुल सिस्टम चाहिए होगा। तो अगर आपके पास पुराना PC पुराना लैपटॉप है शायद उस पर आप रन नहीं कर पाएंगे GTA 6 को, लेकिन अगर आपके पास पावरफुल PC या लैपटॉप है तो उसे आप आसानी से रन कर पाएंगे GTA 6 को। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको GTA 6 खेलने में अगर आपके पास पावरफुल सिस्टम होगा। PC में ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होना चाहिए, पावरफुल सिस्टम होना चाहिए, तब भी आप GTA 6 को रन कर पाएंगे। सिस्टम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी GTA 6 में, हो सकता है आपके पास जो PC है लैपटॉप है तो उस पर आप रन नहीं कर पाएंगे GTA 6 को और आपको अपग्रेड करना पड़ जाए, या फिर अगर आपके पास पावरफुल सिस्टम है तो आप आसानी से रन कर पाएंगे GTA 6 को, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतने अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स हो गए तो फाइल की साइज भी बड़ी होगी, तो डाउनलोड करने के लिए GTA 6 की साइज भी ज्यादा होगी। तो हो सकता है 100 GB तक, 150 GB तक चला जाए GTA 6, तो उसकी फाइल की साइज भी उतनी होगी जितनी अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स होगी। तो जितना अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे तो उतना ही सिस्टम रिक्वायरमेंट होगा और उतनी फाइल की साइज होगी। उसमें कोई डाउट नहीं कि फाइल की साइज 100 GB तक, 150 GB तक चली जाए, पावरफुल सिस्टम की जरूरत होगी GTA 6 को रन करने के लिए। बात करते रिलीज डेट की, हो सकता है आपको कुछ ही महीने में ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिले GTA 6 की। तो अभी 10 साल हो चुके GTA 5 को रिलीज हुए, तो हो सकता है 2-3 सालों में, मतलब लेट 2024 या फिर अर्ली 2025 में रिलीज हो जाए GTA 6। तो 2-3 सालों में रिलीज हो सकता है GTA 6 और कुछ ही महीने में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकती है रॉकस्टार गेम्स की तरफ से कि GTA 6 पर वो काम कर रहे हैं। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद शायद 2-3 सालों में रिलीज हो जाए GTA 6। अभी वेट करना पड़ेगा GTA 6 के लिए, लेकिन जितना भी वेट होगा वर्थ इट होगा, क्योंकि जैसे हमने बात करी GTA 6 बहुत ही दमदार होने वाला है। हमने बात करी GTA 6 के बारे में, तो जैसे कुछ अपडेट्स आते हैं उसमें मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, या पर इस चैनल पे डालूंगा टेक्नो ट्यून्स पे, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे एक रील डाल दूंगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए टेक्नो ट्यून्स को। तो हमने बात करी GTA 6 के बारे में, तो GTA 6 बहुत ही दमदार होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करिए, बेल का भी क्लिक करिए ताकि आप देख सके मेरे नए वीडियो सबसे पहले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।